में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मांडल भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपने इतिहास के रूप में रावल बापा हुआ था और रावल बापा के पिताजी नागभट्ट द्वितीय थे और यहाँ पर बिलों का राज था। तो नागभट्ट द्वितीय को मार करके और बिलों ने पुनः अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो हम इस पवित्र स्थान पर सारे हम इकट्ठे हुए हैं और इस पवित्रता को हमको बनाए रखना है। हमारे में वो शक्ति है, हमारे में वो ताकत है कि हम सब कुछ करने में सक्षम हैं। उधर इतिहास की दृष्टि से हम देखें, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा आपने, और पृथ्वीराज चौहान जब राजगद्दी पर बैठ रहा था तो राजगद्दी पर बैठने के पहले उसने विचार किया कि मुझे कुछ सीखना है और शब्द वेदी बाण सीखने हैं। तो उसने विचार किया शब्द वेदी बाण सीखने के लिए मैं क्या करूं। बहुत सारे साथी होते हैं, चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद में वो कहते हैं कि मुझे, मैं राजगद्दी पर पहले नहीं बैठूंगा, पहले मैं एक लवे की शब्द वेदी बाण की कला सीखूंगा। लेकिन एक लवे बिल कहाँ रहता है? पता लगाया वो मगध देश में रहता है, मगध जो बिहार है, आज तो बिहार है। तो वहाँ बहुत सारे उसके साथ में सरदार इकट्ठे हो जाते हैं और सारे घोड़े और खच्चर वगैरह लेकर के 5-10 की टुकड़ी लेकर के बिहार जाते हैं। वहाँ पता लगाते हैं कि यहाँ पर एकलव्य नाम का जो बिल है उनके वंशज यहाँ पर रहते हैं। तो लोगों ने कहा, बिलों ने, बिल मंगरी पर रहते हैं और उन्होंने कहा कि बिल यहाँ पर रहते हैं, एकलव्य वंश, कि तुम अंगूठा काट करके दे दोगे तो तुम तीर धनुष कैसे चलाओगे, तुम तलवार कैसे चलाओगे, राजगद्दी पर बैठोगे तो कागज कैसे लिखोगे, हस्ताक्षर कैसे करोगे। तो उन्होंने सभी ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं चाहे मेरा राह चला जाए लेकिन मुझे बिलों की विद्या सीखनी है। फिर उनको उनकी जो एकलव्य का जो मंदिर होता है वहां पर ले जाया जाता है। वहां एक बिल बोबाजी होता है, बैठे रहते हैं और उसके पास में तलवार होती है, उस मूर्ति के पास में, एकलव्य की मूर्ति के पास में वो तलवार लेकर के अपना अंगूठा काटने लग जाता है। इतने में बोबा जी का भाव होता है और भाव होते ही वो कहते हैं कि तो तेरी परीक्षा में तू पास हो गया और अब हम तेरे को हमारी शब्द वेदी जो विद्या है वो सिखाएंगे। तो फिर वो उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाने की विद्या सिखाई। गोरी आक्रमण करता है, हमारे पृथ्वीराज चौहान को वहां गोर प्रदेश में ले जाया जाता है और वहां पर ले जा करके गोर प्रदेश में ले जा करके और उसको अंधा किया जाता है पृथ्वीराज चौहान को। फिर मरता क्या नहीं करता, फिर उन्होंने जो गोर प्रदेश था, फिर उन्होंने अपनी बात बताई सारी और फिर आवाज पर तीर कैसे लगाते हैं उनको कारनामा दिखाना था। मोहम्मद गोरी तख्ते था उधर बैठा हुआ था, चंद्रवरदेही उनका साथी था, वो कहता है कि 4-5-24 गज अष्टंगुल प्रमाण ऊपर है सुल्तान मत चुके चौहान। ऐसा कहते ही वो तीर चलाता है और तीर जाकर के सीधा उसकी खोपड़ी में लगता है और खोपड़ी में लगते ही जो मोहम्मद गोरी था उसकी खोपड़ियां तो नीचे हो जाती हैं और दोनों टांगरियां ऊपर हो जाती, उल्टा लटक जाता है। ये हमारे बिलों की कला है और हम ये हमारे बिलों का जो इतिहास है ये हमारे, आप देखोगे कभी आप कुंभलगढ़ आने का मौका मिले तो कुंभलगढ़ का जो फर्स्ट दरवाजा है आरेट पोर्ट जहां मैं रहता हूँ, अरहट सबसे पहले अरहट बनाया था, अरहट फॉल हुआ, उसके बाद में हल्ला फॉल आती है, उसके बाद में आगे बादशाह बावड़ी आती है और उसके आगे भैरव फॉल आती है और भैरव फॉल हनुमान के फॉल के बाद में भैरव फॉल आती है। वहां पर कभी बारीक से देखना एक मूर्ति बनी हुई है सफेद संगमरमर की, अब तो शायद उसको हटा दिए, सफाई करने वाला ने किसी से चोरी कर दिया, कुछ कर दिया, लेकिन मैंने उसको देखा है। फिर इसका इतिहास का जो पता लगा है कि ये कौन है, तो बताया जाता है कि वो एक मालन की मूर्ति थी, मालन। तो जब अकबर की सेना ने आक्रमण किया कि लड़ तरफ से जैसे ही आगे बढ़े तो उनको पता नहीं चला कि कुंभलगढ़ ऐसी जगह पर बना हुआ है जो 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर से दिखाई नहीं देता है। जब तक आप उसके नजदीक नहीं जाओगे कुंभलगढ़ दिखाई नहीं देता है। तो सेना भटक रही थी और भटकती तो पता लगाते सेना कुंभलगढ़ के दरवाजे के पास में अरेट पोल पार करके आगे जाती है। वहां एक मालन आती है, फूल तोड़ती है, लेकर के जाती है, रोज लेकर के जाती है। वहां पर एक वहां पर हमारे डूंगरी बोलते कोई भील था,
जो हल्ला फोड़ के आगे मंगरी के ऊपर बिल्लों की बस्ती थी, तो उसने देखा कि ये जो मालन है रोज टोकरी लेकर के जाती है, लेकिन आज फूल बिखेरती बिखेरती जा रही है। इसे सिद्ध होता है कि ये कोई कोई भेज दे रही है किसी न किसी को। उसके मन में ऐसा लगा कि मैं मेवाड़ का मैं क्षत्रिय हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तो उन्होंने उस मालन के ऊपर तीर चलाती है, मालन को वो लगता है और मालन वहीं पर ढेर हो जाती है, तो उसकी मूर्ति वहां। और उन्होंने कुंभलगढ़ को बचाया, फिर कुंभलगढ़ का जो मार्ग उनको मिल गया मुसलमानों को और अंदर चले गए, लेकिन वो कटारगढ़ के ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सके। तो ये हमारा बिलों का देखो इतिहास है। हम बिल वंश के हैं और हमने हमारे बहुत सारे कारनामे देखोगे तो आप गदगद हो जाओगे कि हमने कितने कार्य किए। वर्तमान परिस्थिति में हम क्या हैं और क्या करना चाह रहे हैं, हम बड़ा दुख होता है। सभी विद्वान साथी हैं, मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको कि जब 1956 में आदिवासी संघ बना सकते थे, आदिवासी संघ जो मीणा समाज ने बनाया, आदिवासी संघ बनने के बाद में 1956 में बन गया और सन 1980 से मैं सक्रिय हो गया। मैं भी अच्छा कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट पार्टी में ज्यादा था, लेकिन समाज की जो बातें आती थी उसमें आदिवासी संघ चला। अब देखो हमारा हम क्या कर रहे हैं, अभी भी हम भटक रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, पता ही नहीं चल रहा है। हम उन सन 80 के बाद में लगभग 20 साल तक मीणा समाज का वो काम चलता रहा, बिलों से मीणा बनाना। तो हम सभी उदयपुर में हो गए, बिल बने एक मीणा, बिल बने एक मीणा, बिल बने एक मीणा। अब ये समझ जाओगे 20 साल हमने बर्बाद कर दिए, इस तरह से करते 20 साल बर्बाद कर दिए। 20 साल के बाद में फिर हमारा ये चला, हमारे बिल समाज विकास समिति 2005-06 में इसका गठन हुआ, हम सब उसके साथ में लगे, थोड़ी बहुत पटरी पर आ गए। और पटरी जैसे बिल समाज विकास समिति बनी, उसके ठीक 5-6 साल बाद में हमारे बिल समाज विकास समिति को तोड़ने के लिए इतने संगठन खड़े हो गए कि हमारे समाज के जो नौजवान पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, हम स्वयं है, सब भटक गए, हम किधर जाए किधर नहीं जाए। संगठन बन गए, बहुत अलग अलग संगठन बन गए, जैसे बेरुना संगठन बन गया, जरगा विकास समिति संगठन बन गया, चामुंडा संगठन बन गया और न जाने कितने कितने संगठन बन गए, जोहार संगठन बन गया, बहुत सारे संगठन बन गए, कितने नाम गिना गए। तो ये सबको हमको डिवाइड कर दिया भैया, सबको हमको अलग अलग कर दिया, उदेड़ पुल में बन गए। इतना वो करते करते ही चलो ठीक है, राणा पुंजा संगठन भी ठीक है, माँ सबरीबा संगठन भी ठीक है, और एकलव्य संगठन भी ठीक है, बेरुना संगठन भी ठीक है। अरे इसमें जाए, डिवाइड हो गए, विचार करते रहे हमारे बच्चे किसमें जाए, बड़े से वो विफल हो गए, अब क्या करें, कुछ सोचे उसके पहले अब ये बीच में आ जमका, जय जोहार जय जोहार, इधर जाओ उधर जय जोहार, टीवी पर भी देते हैं, इस तरह से देते हैं। मुझे आप ये सब हम सदस्य यहाँ पर विराजमान है, समझ में नहीं आता है कि जब अभी 9 अगस्त को जो हम राणा पुंजा हमारे वो जो जयंती मनाते हैं ना, विनेश कॉलेज जयपुर, मिनेश कॉलेज जयपुर, मिनेश हम क्या है, हो सकता है कभी हमने टीवी पर भी देखा था जब हमारा आदिवासी दिवस मनाया जा रहा, तो वहां पर वहां के उधर के लोग देखो, या तो वो तो अच्छे लोग हैं शायद, बेवकूफ हमको बेवकूफ बनाने के लिए कुछ ऐसे मदारी चाल चलते हैं, और वहां पर सारे इकट्ठे होकर के वो सब नाच रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग यार, कलेक्टर की रैंक के लोग, जय जोहार जय जोहार जय जोहार, ढोल बज रहा और नाच रहे हैं, ढोल बज रहा और नाच रहे हैं, हम देख रहे हैं। वो उनका काम कर रहे हैं क्योंकि उनके सबसे बड़े बड़े अफसर है, IAS अफसर है, IPS है, सब कुछ अफसर है, सरकारी गवर्नमेंट बॉडी है, सब है। एक घर में 5 सदस्य, 5 सर्विस में 100-100 बीघा उनकी जमीन है, वो नाचेंगे। और फिर हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, क्या आने वाले समय में हमारे भी भील छात्रावास या विलेश को कॉलेज कहीं बन सकता है? हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम भी कहीं विलेश कॉलेज की घोषणा करवा सकते हैं? तो इसके ऊपर हमको बड़ा गोपाल जी भाई साहब, ये हमको विचार करना पड़ेगा कि उनके लिए सब कुछ हुआ, हमारे लिए भी हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी हमारी विषम परिस्थिति है, कितने संगठन में हम डिवाइड हो गए और हम